अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। मैं फतेह दरवाज़ा मोहम्मद शुक्र की कमान के सामने रहने वाला हूँ। ये जो रोड बेंडिंग के सिलसिले में मेरे को मजबूरन ये कार्रवाई करना पड़ा मीडिया के सामने बुला के, कि ये मेरे को नोटिस आई थी सर बल्दिया की तरफ से। अब ये नोटिस जो है ना 4 अगस्त 2020 को आई थी। ये जो है ना रोड बेंडिंग के अंदर मेरा घर जा रहा बोल के नोटिस आई, और इसके साथ जो है ना मेरा चेक रिलीज हुआ 2022 में। तो घर जो टूटा उतने हिस्से का चेक आया था। आ गया। जी जी, ये चेक कब आया? चेक आया 2 सितंबर 2022 को। जी, ये जो है ना एज पर रोड वाइंडिंग जो है ना 80 फीट की रोड है एरिया की, वो हिसाब से कितने फीट की है? अभी जो है ना 73 फीट आ गया सर। जी, क्योंकि यहाँ पे जो है ना बल्दिया के अहदेदारों का अपने उनके अहदे का गलत फायदा उठा के उन लोगों मजबूरन जो है ना आगे वालों से पैसे खा के उन लोगों को आगे बढ़ा दिए। जो मेरा घर रोड पे आने का था, इन्होंने जो है ना आगे 3 फीट 4 फीट बढ़ा के उन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शन कर लिए, और वो इलीगल कंस्ट्रक्शन का भी कोर्ट में केस चला। उसके अलावा भी जो है ना मैं जो भी कंप्लेन वगैरह डाल रहा हूँ बल्दिया के साथ, वो बल्दिया वाले क्या कर रहे हैं मालूम है, वो कंप्लेन को इग्नोर कर दे रहे। जाओ जी कोर्ट में केस चलाना। जी हाँ, 80 फीट की रोड को कम कर दिया उन्होंने, कम करके 73 फीट, जबकि उनका एरिया बचा ही नहीं। इधर उनका एरिया जो है ना 8x8 गज की जमीन बची हुई है, 8x8 गज की जमीन बची हुई है। और इसके साथ ये जो है ना प्रेजेंट ईसी है December 20, 2022 की, इसमें क्लियरली मेंशन करे हुआ है 8x8 गज पे, जबकि बल्दिया जो है ना इनका पूरा घर डिमोलिश कर दी थी उनका एक कोने पे जो 8x8 गज। ये जो है ना देखो सर, अब 25/11/2018 तो इन्होंने उस तारीख से जो है ना काम करना शुरू कर दिया अल्लू करके। मैं जो कंप्लेंट करा बल्दिया वालों के खिलाफ, बल्दिया वाले क्या करे इग्नोर कर दिए मेरे को, ये यहाँ तक पहुंच गए इन्होंने, ये जाके क्या करे इन्होंने इतना बड़ा स्ट्रक्चर ठहरा कर दिया, वो जो 80 फीट की रोड को 70 फीट कर दिए। ये जो 40 फीट के ऊपर है, ये 80 गज की फेसिंग है इनकी, 80 गज की फेसिंग है, 3 फ्लोर डाल के ठहर गए हो गया। अब ये इसकी रिपोर्ट भी इलीगल कंस्ट्रक्शन की बल्दिया वालों को दिया, तो कोई बल्दिया वाला आगे नहीं बढ़ा। हेड ऑफिस से पूरा सपोर्ट मिल रहा, हेड ऑफिस से पूरी कार्रवाई अच्छी हुई, चेक आया सब आया, लोकल ऑफिस वाले सेक्शन ऑफिसर ACP DCP जो है ना ये काम रोक के रख दिए। अब क्या बोले तो बोल रहे हैं नहीं भाई वो एरिया में 60 फीट रोड है कहते, जबकि पूरा प्लान है 80 फीट का। मैं आपको प्लान की कॉपी देता हूँ, आप लोग अच्छा देख सकते हैं, क्योंकि पूरा प्रपोज प्लान है मेरे पास, यहाँ पे लिख के लगाया, यहाँ पे लगाया इसको कोर्ट में लिख के। जी हाँ, कोर्ट में केस डाले, तो उन्होंने कोर्ट में क्या केस डाले के भाई मैं जो है ना मेरा टूटा सो बच गया हिस्सा, उसको रिनोवेट कर रहा हूँ बोल के। यहाँ पे कहाँ कहीं आपको बचा सो हिस्सा दिख रहा क्या, बताओ आप मेरे को। पीछे दीवार दिख रही फोटो में, ये वो मेरी दीवार है, मेरी दीवार है ये, मैं रोड पर ये इन्होंने काम करना शुरू करे सो है उस दिन। इनकी प्रॉपर्टी अभी फिलोखत एट प्रेजेंट 8.8 स्क्वायर गज दीवार की जगह बची, वो भी वो साइड कोने में। ये जो 80 फीट की फेसिंग थी ना सर, 80 फीट की फेसिंग में वो कॉर्नर साइड, ये कॉर्नर जो है ना चौरस्ता लग रहा मेरे घर की तरफ, मस्जिद के सामने मोहम्मद शुक्र की कमान के सामने चौरस्ता लग रहा, तो वहां पे जो है ना 80 फीट है, और वो कॉर्नर पे उनकी जगह बची थोड़ी नहीं बल्कि नहीं, और जो भी बची होंगी मैं क्या है मालूम है, उनकी जितनी जगह थी जीता गया उसका पूरा कंपनसेशन मिल गया। मिलने के बावजूद इन्होंने जो है ना इलीगल इंक्रोच करके यहाँ तक 80 फीट पे इतना बड़ा स्ट्रक्चर ठहरा गए। और ये जो है ना GHMCH की लापरवाही की वजह से, क्योंकि डे वन से मैं पूरे कंप्लेन कर रहा हूँ बराबर तरीके से, 2018 से कंप्लेन कर लेते आ रहा हूँ, GHMCH की लापरवाही से आज इन्होंने इतना बड़ा स्ट्रक्चर ठहरा कर दिया, और कोई एक्शन नहीं ले रहे GHMCH वाले। 8 गज से 80 गज हो गया, और जाके सर ये देखो इतना बड़ा स्ट्रक्चर हो गया, इसके पूरे फोटोज है मेरे कने डे वन से, तो पीछे का घर मेरा है, ये पूरे ये जो फोटोज के साथ बाजाफ्ता कमिश्नर मिस्टर लोकेश कुमार को सबको हर एक को जो है ना मैं कॉपी सीसी कॉपी करे हुआ हूँ। ये हमारा भी जा रहा था, हमारा 24.5 गज जा रहा, वो भी रोड की फेसिंग की तरफ से, तो इन्हों बीच में आके रुका डाले। तो आप इसकी वजह से कोई कोर्ट को नहीं गए? आप कोर्ट को गया सर, मैं लीगल प्रोसीजर पूरा फॉलो कर रहा हूँ, हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करा, कुछ रिस्पांस नहीं दिए,
तो इन्हों काम कर रहे थे, तो मैं क्या करा मालूम है, इस अपने सिविल कोर्ट में भी सूट फाइल करा। सिविल कोर्ट में इनका वकील जो है ना ये अंडरटेकिंग लिख के दिया कि सर आप उनको स्टे ऑर्डर मत दो, हम जो है ना फर्दर कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे बोल के। लेकिन जो है ना लॉकडाउन में इन्हों पूरी कार्रवाई करके शटर ओपन कर दिए। फर्स्ट लॉकडाउन में करे, फर्स्ट लॉकडाउन से कार्रवाई करके पूरे शटर ओपन करे करके आज मलगियां रेंट पे चल रही, जो कि गवर्नमेंट की लैंड है। उसके साथ भी मैं जो है ना बल्दिया में अप्रोच होके बोला सर इन्हों इलीगल अप्रोच है, गवर्नमेंट लैंड पे मलगियां चला रहे बोले, तो भी बल्दिया वाले कोई एक्शन नहीं लिए। इतने बंच हो गए मेरे कने कंप्लेंट्स के, और ऑनलाइन कंप्लेंट्स भी है मेरे कने। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती, एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवेसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190।